अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन की एक झटपट से बनने वाली रेसिपी। ये एज ए स्टार्टर रेसिपी है, बटर गार्लिक चिकन की रेसिपी। चलिए इसको बनाना देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ के जी ये बोनलेस चिकन लिया है, इसको मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर कर ली हूँ। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच काली मिर्च। इसको डाल के अच्छे से इसको एक बार मिक्स करेंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम लोग इसी तरह से लगा कर इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट बाद। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 चम्मच जितना ये मैदे का आटा। इसको डालने के बाद इसको अच्छे से इसमें कोट कर लेंगे चिकन को, और ये चिकन को अभी हम लोग फ्राई कर ले लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें 5 से 6 चम्मच जितना ऑयल डाल दूँगी। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, अब इसमें डाल देंगे ये चिकन के पीसेस को, एक एक करके सब पीसेस को इसमें डाल देंगे। चिकन के पीसेस को डालने के बाद इसको हम लोग कुक करेंगे 3 से 4 मिनट। वन साइड में इसको कुक करेंगे 3 से 4 मिनट बाद इसको पलट लूँगी और इसको वापस से इसको कुक करेंगे। अच्छा सा इसमें गोल्डन सा कलर आ जाए जब तक इसको हम लोग फ्राई कर ले लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना, ये झटपट से बनने वाली बटर गार्लिक चिकन की रेसिपी है। अभी हमारे चिकन भी तैयार है, हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है इसमें। अब इसको चिकन को मैं निकाल कर ले लूँगी। अब यहाँ पर बटर गार्लिक चिकन बनाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं पैन में 2 से 3 चम्मच जितने यहाँ पे मैंने ये बटर लिया है, ये सॉल्टी बटर है, इसको मैंने 3 चम्मच जितना लिया है। इसको मेल्ट होने देंगे। अब इसमें डाल देंगे ये 4 चम्मच जितना ये क्रश किया हुआ ये लहसुन है। इसको डालने के बाद अब इसमें डाल देंगे 3 मैंने हरी मिर्च को बारीक सा काट कर ली हूँ, इसको डाल दूँगी और इसको 1 से 2 मिनट इसको भूनेंगे। गैस का फ्लेम को स्लो पे रखेंगे और इसको ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा इसको भून लेंगे 1 से 2 मिनट। अब यहाँ पर ये अच्छे से भून जाए, अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच यहाँ पर मैं डाल दूँगी मैदे का आटा। मैदे का आटा डालने के बाद इसको भी अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि ये मैदे के आटे का भी जो कच्चापन है वो निकल जाए। इसको अच्छे से इसके साथ में भून लेंगे 1 मिनट के लिए। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना, जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है और ये बच्चों को भी बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। अब इसमें डाल दूँगी 1/2 ग्लास जितना पानी, मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दूँगी और गैस का फ्लेम को स्लो पर रखेंगे वरना इसमें लम्स पड़ जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे और इसका एक थिक सा एक सॉस तैयार करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा 1/2 ग्लास जितना पानी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक थिक सा एक सॉस तैयार कर लिया। अब इसमें ऐड करूँगी 1/2 चम्मच यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर। उसको डालने के बाद भी इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर ले लेंगे। अब यहाँ पर ऐड करेंगे ये फ्राई किया हुआ चिकन को। चिकन के पीसेस को डालने के बाद भी इसको अच्छे से इसमें सॉस के साथ में इसको कोट कर ले लेंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेने के बाद अब यहाँ पर ऐड करेंगे 2 चम्मच जितना मैंने यहाँ पे बारीक कट कर ये स्प्रिंग ओनियन लिया है। आप यहाँ पर धनिया पत्ता या पार्सले भी डाल सकते हो। इसको डालने के बाद भी इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर ले लेंगे। अभी हमारे बटर गार्लिक चिकन बनकर तैयार है। ये इसको आप स्टार्टर के तरह इसको सर्व कर ले लेना, और ये बनाना भी बहुत ही आसान है और झटपट सी बन जाती है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।